कलाकार बनना चाहते हो तो इंजीनियर बना देंगे, नौकरी करना चाहते हो तो गले में बिठा देंगे, लव मैरिज के बारे में सोचोगे भी सही तो नहीं, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी अरेंज मैरिज करा देंगे और तुम्हारा कनेक्शन बने ना बने इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। पल्लवी, अगर ये दुनिया लड़कियों के लिए मुश्किल होती है ना तो लड़कों को भी जीने नहीं देती है। अगर ये देश में लड़की होना दुर्भाग्य है तो लड़का होना भी कोई सौभाग्य नहीं है। भाग्य है ना पल्लवी, तो लड़का होना भी सौभाग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। देवी जी, कैसे आपका मर्द बेटा मर्दों के नाम पर बट्टा लगा रहा। कहने को तो मर्द है लेकिन औरतों की तरह टस हुए भर रहा है। देखिए, अब अगर अपनी पत्नी के सामने अपने बाप को विलेन साबित कर दिया हो तो हम कुछ बोले? तुम कुछ भी बोल, आज जहां तुम खड़े हो वो सिर्फ हमारी वजह से खड़े हो। अगर हमने तुम्हें जबरदस्ती, ओके, देख रहे बबली देवी जी, अपने मर्द बेटे को जो कहने को तो मर्द है लेकिन मर्दों के नाम पर पट्टा लगा रहा है, देखा इसे औरतों की तरह टसवे भा रहा है। वाह बेटा वाह, अगर अपनी पत्नी के सामने अपने बाप को विलेन बना दिया हो तो हम कुछ बोले हैं? आज जहां तुम खड़े हो ना वो सिर्फ हमारी वजह से खड़े हो। अगर हमने तुम्हें बाहर नहीं भेजा होता तो तुम भी अपने आवारा दोस्तों की तरह जौनपुर की कलियों की खाक छान रहे होते। वो सब तुम्हारा जैसा बनने के लिए अपने प्राण तक त्याग दे, ऐसा बना दिया हमने तुमको। लेकिन बबली देवी जी, कहां वो जमाना रहेगा? यहां हम अच्छाई कर रहे हैं और ये हमारा ही नाम सुना। अरे ऐसे शुक्रगुजार होना चाहिए बल्कि ना शुक्रगुजार होकर गलिया रहा हमने सामने। जमाने की हवाई उल्टी चल रही है। अरे मर्दों के नाम पर नपुंसक है तू, नपुंसक। अपने बाप की कमाई पर जिंदगी बिताने वाले नपुंसक हो तुम, अपनी बीवी को पसंद बनाने चले हो। अरे पहले खुद मर्द तो बन जाओ। पंद्रह दिन देते हम तुम्हें, 15 दिन में ये साबित कर दो अपनी पत्नी के सामने कि तुम असली मर्द हो। उसे खाने के लिए दे सकते हो, पहनने के लिए कपड़ा दे सकते हो। अगर ये सब कर लिया तो ठीक है, वरना हमारे सामने अपना सर, अपनी आंखें और अपनी जबान काबू में रखना, समझे?